हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वीबीए के अंदर। और अभी तक जो मैं वीबीए की वीडियोस बना चुका हूँ वीबीए टॉपिक्स पर, तो आप देख सकते हैं 8 वीडियोस अभी तक हम बना चुके हैं। मैक्रो, रिकॉर्डिंग, मैसेज बॉक्स, कोडिंग, XYZ, ये सारी हम जो है 8 वीडियोस बना चुके हैं। आई होप सो आपने ये वीडियोस देख ली होगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो गाइज अभी जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दिया है, तो सारी वीडियोस ये देख सकते हैं। और अगर किसी को डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर पूछिएगा। तो आज हम कवर कर रहे हैं कि हम वीबीए में डिक्लेयर कैसे करेंगे वेरिएबल को। तो आप देख सकते हैं आज हम ये सीखेंगे कि हम न्यूमेरिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे। दो वेरिएबल्स होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, एक न्यूमेरिक वेरिएबल्स और एक होते हैं नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल्स। अभी जो हम सीख रहे हैं वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स सीख रहे हैं। गाइस सबसे पहले आप ये पॉइंट ध्यान रखिए कि जो है वेरिएबल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वीबीए के अंदर। तो पहले हम ये कवर करते हैं, ऑल्ट F11 मैंने प्रेस करा, वीबीए कोडिंग मेरी यहाँ पर ओपन हो गई है, वीबीए का पेज। अब मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि वीबीए में वेरिएबल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। पहली कोडिंग मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हैं। जब मैं इस कोडिंग को, मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि आपको दिख सके, जब मैं इस कोडिंग को देखिए परफॉर्म करूंगा, देखिए मैंने क्या करा है, रेंज ले रखी है, रेंज में A1, A2, A3, A4 और उसके सामने मैंने वैल्यूज लिख रखी है, उनकी रेंज की वैल्यूज मुझे क्या क्या पुट करनी है। F8 प्रेस करूंगा 1x1 क्योंकि कोडिंग मुझे रन करनी है। F8 प्रेस करा, पहले इसने सब कोडिंग इसको रीड करा, देन सेकंड है इसको A1 को 455 लिखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 455 मेंशन कर दिया। देन अगेन आई प्रेस F8 तो देखेंगे इसने A2 पर भी 455 कर दिया, एक और बार करा तो इसने A3 पर कर दिया, देन लास्ट वन इसने A4 पे करा। तो कोडिंग यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या है, अभी यहाँ पर मैंने कोडिंग में 455 यहाँ पर सब में लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि सब में क्या लिखा है 644, तो मैं यहाँ से वो इजीली नहीं कर पाऊँगा। क्या करूँगा, मैं सबको जो है मैनुअली चेंज करूँगा। देखिए 644, फिर इसको डिलीट करूँगा, सेकंड वाले को 644, फिर इसको डिलीट करूँगा 644, ऐसे करके मुझे कई बार चेंजेस करने पड़ जाएंगे। तो उस केस में आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने सेकेंड कोडिंग में क्या करा है, डिम डेटा एज इंटीजर, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा है, डेटा को एज अ इंटीजर मैंने कन्वर्ट कर दिया है। इंटीजर क्या होता है, नंबर। तो यहाँ पर डिम, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले हम डिम लिखेंगे, डिम लिखने के बाद डेटा, यानी कि डेटा मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने एक नाम दिया है, कोई भी आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पर डेटा नाम दिया एज इंटीजर। अब नीचे मैंने दिया डेटा जो है इक्वल टू 455 होना चाहिए, और मैंने सारी रेंज के सामने इक्वल टू डेटा लिख दिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्टली डेटा चेंज करूँगा तो सब में यही चेंज हो जाएगा। अभी पहले मैं इसको F8 करके देखता हूँ, देखिए F8 करके टाइप कर रहा हूँ, तो अभी वहाँ पे 455 ऑलरेडी लिखा हुआ था, बट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 644, अब देखिए F8 करके मैं एक एक करके प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए वहाँ पर भी चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर 644 हो गया, अगर मुझे यहाँ पर लिखना है 1000 तो 1000 को भी मैं डायरेक्टली इंटीजर में पुट करके, तो देखेंगे सारा वहाँ पर चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल का यही फायदा होता है कि हमें जो कोडिंग आसान हो जाती है, बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, ताकि जो है हम एक में चेंजेस करें और बाकी सब में वो चेंजेस होते रहें। तो देखिए यहाँ पर न्यूमेरिक में ये कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, पहला होता है बाइट। तो बाइट क्या होता है, सबसे छोटी स्टोरेज ये क्रिएट करता है। देखिए ये जो वेरिएबल्स हैं, अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जिनकी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है। यहाँ पर देखिए जो बाइट है वो सिर्फ एक बाइट ही जो है मेमोरी लेता है आपके एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल के अंदर सिर्फ ये एक बाइट ही आपका ये स्पेस लेगा। एक्सेल किस में जो स्टोर है, आपके कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में जो है नहीं, एक बाइट ये जो स्पेस लेगा। अगर आप यहाँ पर सपोज दैट आपने वेरिएबल डिम बाइट डिक्लेयर कर दिया, तो ये क्या करेगा, वो एक बाइट का हो जाएगा, बट इसकी लिमिट रहेगी, आप जो है नंबर जो उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं वो 0 से 255 तक ही मेंशन कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट रहता है। फिर आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर का भी एक टाइप रहता है कि वो 2 byte की ही स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ -32000 कुछ है, और 32000 पॉजिटिव से लेकर यहाँ तक ये
जो इसके अंदर कंसीडर कर सकता है वैल्यूज को। तो ऐसे करके नीचे कई सारे यहाँ पर वैल्यूज हैं, आप देख सकते हैं लॉन्ग में थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है, सिंगल में और इंक्रीज होएगा, डबल में और डबल इंक्रीज हो जाएगा। जितना आप इंक्रीमेंट लेते रहेंगे उतना ध्यान रखिएगा आपकी स्टोरेज भी बढ़ती रहेगी, यानी कि आपकी वो स्पेस भी उतना लेगा मेमोरी के अंदर। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास आपको पता है कि 255 तक ही आपकी वैल्यू जाएगी तो आप बाइट सेलेक्ट करिए, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है। ऐसी अगर आपको करेंसी मेंशन कर रहे हैं तो करेंसी का भी यहाँ पर मेंशन है कि कितनी लिमिट रहेगी। डेसिमल्स में अगर आपकी कोई वैल्यूज़ है तो वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल अगर आप लगाएंगे तो याद रखिएगा 12 बाइट्स का ये जो है स्पेस कैप्चर करेगा। तो ऐसे करके आप जो है अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अभी देखिए मैं एक और आपको यहाँ पर कोडिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए अभी मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करके मैं एक और यहाँ पर कोडिंग क्रिएट कर रहा हूँ, सब रोहित मैंने यहाँ पर अभी कोडिंग का नाम दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर करके अब यहाँ पर देखिए मैं कोडिंग यहाँ पर टाइप करूँगा। सबसे पहले मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिम मैंने यहाँ पर लिखा, बाइट मैं अभी डिक्लेयर करता हूँ। बाइट से पहले मुझे नाम यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर बाइट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा एज बाइट। तो बाइट का मैं आपको बता चुका हूँ 255 तक की लिमिट है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर रेंज लिखता हूँ, थोड़ा सा साइड कर देता हूँ ताकि आपको दिखता भी रहे। बाइट लिखा मैंने, रेंज अब यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ, रेंज क्या रहेगी A2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू, मैंने यानी A2 की वैल्यू क्या देनी है इज इक्वल टू डेटा, जो डेटा में लिखा होगा। अभी मैंने डेटा पे वैल्यूज नहीं डाली है, तो डेटा की वैल्यू क्या रखनी है मुझे इज इक्वल टू 200। तो देखिए 200 मैंने करा। अब मैं इसको जो है F5 प्रेस करता हूँ, देखिए शीट 2 में मैंने कोडिंग लिखी है, ध्यान रखिए अभी मैंने शीट 1 ओपन कर रखी है, पहले मैं शीट 2 में चला जाता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर ऑल्ट F11 करता हूँ, इसको मैं F8 प्रेस करा, इसने जो है डेटा को रीड करा और उसके बाद रेंज को रीड करा, तो देखेंगे F2 यानी A2 में इसने क्या करा, देखिए 200 यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, देन अगेन मैं यहाँ पर इस कोडिंग को F5 से ही रन कर देता हूँ, तो देखेंगे यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर A2 पे इसने 200 लिख दिया। अब उस केस में क्या होगा जब मैं इसको 255 से अबव देता हूँ, यहाँ पर मैं 300 इसको देता हूँ, तो ये क्या ये एरर शो करेगा, तो देखते हैं। F5 मैंने प्रेस करा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ओवरफ्लो, मीन्स यहाँ पर इसकी लिमिट है 255 की और मैं यहाँ पर ओवरफ्लो कर रहा हूँ, यानी कि इसको मैं ओवर लिमिट दे रहा हूँ, यानी 300 मैंने दिया तो इसने यहाँ पर ये कैप्चर नहीं करा। तो ऐसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।